भाई रशियन कार ड्राइवर यूएसए हंटर में ये जो कैरेक्टर है किरिल, ये अब तक का सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। अभी कुछ दिन पहले ही इसने जर्नलिस्ट के घर पे चोरी करी थी, वो भी रिची के कहने पर। और भाई यार अब देखो ये एक और चोरी की प्लानिंग कर रहा है। यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो यार भाई आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं रशियन कार ड्राइवर यूएसएड हंटर। और जैसा कि भाई यार आप लोग जानते हो कि इस गेम में हम अभी रिची की स्टोरी लाइन यानी कि आर मिशंस कंप्लीट कर रहे हैं। तो यार रिची की स्टोरी लाइन कंप्लीट करते हुए हमें एक कैरेक्टर मिला था जिसका नाम किरिल था, और यार वो रिची के लिए चोरी करता था, लेकिन भाई यार उसकी अलग ही अपनी एक स्टोरी लाइन है। तो यार आज हम उसी की स्टोरी लाइन का दूसरा मिशन कंप्लीट करने वाले हैं। वैसे तो भाई यार किरिल की लाइफ कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि उसकी मदर का ऑपरेशन होना है और उसके पास भाई यार ज्यादा पैसे भी नहीं है, तो इसलिए वो चोरी करता है। लेकिन वो बोल रहा था कि मैं इस काम को जल्द ही बंद कर दूंगा। तो चलो देखते हैं कि आज यार किरिल क्या करने वाला है। ओके, तो फिलहाल भाई यार मैं किरिल के घर पे आ चुका हूँ। अब देखना ये होगा कि किरिल अपने घर पे है या फिर नहीं। तो इसके लिए भाई यार हमें इस ग्रीन जोन में आना होगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट अ मिशन का, यानी कि किरिल अपने ही घर पे है। ओके, तो यहाँ पे देखो भाई यार शाम हो चुकी है और ऊपर लिखा है टास्क अपडेटेड टॉक टू किरिल। चलो किरिल से बात करते हैं। हेलो, मेरे पास एक प्लान है। मेरे दिमाग में कुछ गोदाम है जहाँ पे इलीगल इक्विपमेंट रखे हुए हैं, तो आज रात हम वहाँ जाकर सभी इलीगल सामान को उठा लेंगे। ओ, लेकिन यार वहाँ गोदाम में सिक्योरिटी गार्ड्स तो नहीं होंगे? वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक सर्विलांस सिस्टम और एक अलार्म है, जिन्हें मैं आसानी से हैंडल कर लूंगा। तुम्हारा काम होगा सामान को लोड करना और एक नजर बनाए रखना। अगर तुम तैयार हो तो हम अभी निकले। ऑलराइट, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ, चलो चले। ओके, तो यहाँ पे भाई यार देखो नेक्स्ट टास्क लिखा है अराइव एट द वेयर हाउस। ओ, तो किरिल भी भाई यार पहले से ही यूएसएड में बैठ चुका है। अब मुझे यूएसएड को लेके जाना है वेयर हाउस में, और यार इस मिशन का नाम है नाइट रॉबरी। वैसे यार किरिल ने बताया है कि जो गोदाम में सामान रखा है वो इलीगल यानी कि अवैध है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर इलीगल सामान चोरी होगा तो कोई उसे ढूंढेगा भी नहीं और पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाने नहीं जाएगा। ओके, तो मैप में देखो भाई यार ये रही वेयर हाउस की लोकेशन, और यार वेयर हाउस यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलो यार हम लोग फटाक से पहुँचते हैं वेयर हाउस पर। ओके, तो फिलहाल भाई यार हम लोग वेयर हाउस पे पहुंच चुके हैं और मैंने गाड़ी को भी व्हाइट वाले एरिया में पार्क कर दिया है। ग्रेट, हम पहुंच गए। जब तक मैं वेयर हाउस को हैंडल कर रहा हूं तब तक तुम इधर उधर देखो। ओके, मैं देखता हूं, तब तक तुम अपना काम करो। एवरीथिंग इज रेडी, लेकिन यार कुछ अजीब है, पूरा वेयर हाउस खाली है, बस मुझे कुछ ही डिब्बे मिले हैं इक्विपमेंट से भरे हुए। इन्हें जल्दी से तुम कार में लोड करो। ओके ठीक है, तो मैं लोड करता हूं। भाई यार किरिल बता रहा था कि वेयर हाउस में काफी ज्यादा इलीगल सामान पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो यार उसे कुछ ही डिब्बे मिले हैं। शायद भाई यार उसे भी इस चीज का अंदाजा नहीं था। चलो जो मिला है पहले उसी को उठा के रख लेते हैं। ये रहे भाई इक्विपमेंट के बॉक्सेस, इन्हें कार्गो में लोड करते हैं। इस वेयर हाउस का तो हो गया, लेकिन इतना ये सामान काफी नहीं है, हमें दूसरे वेयर हाउस में चलना होगा, तो चलो जल्दी से वहाँ चलें। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से कार में आकर बैठ जाओ। भाई किरिल के अकॉर्डिंग इस वेयर हाउस में जो हमें सामान मिला है वो काफी नहीं है, तो इसलिए भाई यार वो इतनी रात को ही दूसरे वेयर हाउस में जाना चाहता है। और आप लोग देख ही सकते हो कि अभी मेरा पूरा ट्रेलर भी ठीक से नहीं भरा है। मैप में देखो भाई यार दूसरा वेयर हाउस प्रीमॉक्स सिटी के पास है, जो कि भाई यार यहां से करीब 10 से 11 किलोमीटर दूर है। तो चलो यार जल्दी से वहां पे पहुंचते हैं, लेकिन भाई यार मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या होने वाला है। इस वाले वेयर हाउस की तो किरिल को पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि यहां पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। इस वाले वेयर हाउस में सिर्फ और सिर्फ एक सर्विलांस सिस्टम और एक अलार्म थी जिसे किरिल ने आसानी से हैंडल कर दिया। लेकिन भाई यार इतनी ही रात को प्रीमॉक सिटी में जाना और वहाँ के वेयर हाउस में चोरी करना, ये भाई यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बट भाई यार अब किरिल ने वहाँ जाने का फैसला कर लिया है तो चलना तो पड़ेगा ही। तो चलो भाई यार बिना टाइम वेस्ट किए पहुँचते हैं प्रीमॉक सिटी वाले वेयर हाउस में। ओके, तो ये रहा भाई वेयर हाउस, और यहाँ पे मैंने गाड़ी को कर दिया है पार्क। वैसे भाई यार अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, और कोई होगा भी क्यों, क्योंकि यार इतनी रात हो चुकी है। ऊपर लिखा है टास्क अपडेटेड अप्रोच द एंट्रेंस टू द वेयर हाउस। ओके, तो ये भाई किरिल देखो ये वेयर हाउस का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है। Who the hell are you? अरे अरे ये किसकी आवाज है? I am calling for backup. भाई लग रहा है कि इस वेयर हाउस का सिक्योरिटी गार्ड आ गया है। उत्तर की भाई यार इसने किरिल को लुड़का दिया। और देखो ऊपर लिखा है टास्क अपडेटेड डिफीट द गार्ड। अब भाई यार मुझे इस गार्ड से फाइट करनी होगी, लेकिन यार ये तो भाई काफी हट्टा कट्टा है। चलो कोई बात नहीं, इसको भी मैं आसानी से हरा दूंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने होटल मैनेजर के गार्ड को भी हराया था, और वो लेवल 10 का गार्ड था, ये तो फिर भी लेवल 6 का ही है। और इससे पहले मैं दो लोगों को और लुड़का चुका हूँ। एक तो वो फोरमैन था जो यार वैसली के लिए वर्कर को देने से मना कर रहा था, इसलिए मैंने उसे लुड़का दिया था। और यार एक था माफिया का मेंबर जिसने ईगोर की पसलियां तोड़ दी थी, मैंने उसे भी लुड़का दिया था। तो सोचो कि मेरे सामने ये सिक्योरिटी गार्ड जो कि एक मामूली से वेयर हाउस का सिक्योरिटी गार्ड है, ये टिक पाएगा? लेकिन यार मेरी हेल्थ इसकी हेल्थ से काफी कम बची हुई है यार। और यार ये मेरे थोपड़े पे मुक्के बरसा रहा है।
रुको यार, इसका इलाज जल्दी से करना पड़ेगा, नहीं तो यार ये मेरे को ही लुढ़का देगा। देखो भाई, मेरी हेल्थ काफी कम बची हुई है यार, मेरे पास डिफेंड करने का ऑप्शन नहीं है, ये मेरे को मुक्के पे मुक्के बरसाया जा रहा है। अब यार मुझे थोड़ा सा IQ लगाना होगा, मैं इसे घूम घूम के मारूंगा। इसकी हेल्थ भाई यार अभी भी देखो 48% है, और यार मेरी हेल्थ अभी 30 के आसपास है, यानी कि मैं इसे अभी भी हरा सकता हूँ। पर यार ये मुक्का बड़ा खतरनाक मारता है। अभी भी भाई यार इसकी 37% हेल्थ बाकी है, लग रहा है यार ये मुझे हरा देगा। और यार अभी तक हैंड टू हैंड फाइट में ये मुझ पर भारी पड़ा है। अब भाई यार लग रहा है कि मुझे जैक की आत्मा को बुलाना ही पड़ेगा, मेरे अंदर जैक की आत्मा आ जाए। ओए ये ले, ये भी ले, ले ताजा, तूने कैसे टच किया इसको? ओके, तो फाइनली भाई यार जैक की आत्मा ने सिक्योरिटी गार्ड को नॉक डाउन कर दिया है। अब यार किरिल से चल के बात करते हैं, लेकिन भाई यार किरिल का थोबड़ा तो देखो एक बार। आउच, मेरा सर। यहाँ पे यार पहले सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। देखो यहाँ पे अभी भी कुछ इक्विपमेंट के बॉक्सेस रखे हुए हैं, चलो हम इन्हें उठाकर लोड करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले ये गार्ड वापस ना उठ जाए। तुम टेंशन मत लो, अब ये गार्ड कभी नहीं उठेगा, मैं बॉक्स को जल्दी से ट्रेलर में लोड करता हूँ। लेकिन भाई यार मेरी भी हेल्थ बस 10% ही बची है, मुझे भी भाई यार अपनी हेल्थ को रीगेन करना होगा, इसके लिए मुझे रेस्ट करना होगा। लेकिन अभी देखो ऊपर लिखा है टास्क अपडेटेड, टेक द गुड्स टू द पॉन शॉप। अब भाई यार हमें इस माल को ले जाकर पॉन शॉप में बेचना होगा। देखो भाई यार सुबह भी हो गई है, दोनों वेयर हाउस में चोरी करने में और इस सिक्योरिटी गार्ड से फाइट करने में पूरी रात लग गई, इसके ऊपर मैं कहीं अपनी USZ न चढ़ा दूं। खैर इसे छोड़ो, अभी भाई यार मुझे दूसरे काम से जाना है, जल्दी से भाई यार इस माल को बेचना होगा और इसके लिए भाई यार हमें पॉन शॉप में जाना होगा। तो चलो फटाफट से पहुंचते हैं यार प्रीमॉक सिटी के पॉन शॉप में। ओके, तो ये रहे भाई यार पॉन शॉप, किरिल जाके भाई दुकानदार से बात कर लेगा, तब तक मैं अपनी गाड़ी को इस व्हाइट वाले एरिया में पार्क कर देता हूं। ग्रेट, हम पहुंच गए, चलो तुम यहीं पर रुको, मैं सामान को बेच कर आता हूं। हां ठीक है, मैं तुम्हारा यहां पे इंतजार कर रहा हूं। सब कुछ ठीक है, दुकानदार ने सारा सामान खरीद लिया है और इसके हमें काफी ज्यादा पैसे मिले हैं, और ये पैसे मेरी मदर के ऑपरेशन के लिए काफी हैं, और बाकी के बचे हुए पैसे हम आपस में बांट लेते हैं। चलो अब मेरे गैरेज चलो। ग्रेट, लेट्स गो। ओके, तो भाई यार हम किरिल के गैरेज में आ चुके हैं। इट वॉज अ टफ नाइट बट हमने कर दिखाया, ये लो अपना हिस्सा, सी यू लेटर, बाय। ओके बाय, जल्दी मिलते हैं। तो इसी के साथ ही भाई यार किरिल की स्टोरी लाइन का दूसरा मिशन यही कम्प्लीट होता है। तो इस वीडियो को भाई यार इधर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।